अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हानिया लोधी किचन। व्यूअर्स, आज हम लोग हानिया लोधी किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कलेजी मसाला। तो चिकन कलेजी मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो चीज़ें ली हैं, चिकन की कलेजी हमने यहाँ पर ले ली है, तकरीबन हाफ के जी के करीब है हमारे पास ये। इसके साथ हमने यहाँ पर ये बारीक चॉप हुई हुई प्याज ले ली है, 3 नॉर्मल साइज की प्याज थी हमारे पास, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा यहाँ हमने एक मीडियम साइज का टमाटर ले लिया है, इसको भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ हमारे पास जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक है हमारे पास, साबुत जीरा है उसको हमने जो है वो पीस लिया था भून कर। यहाँ हमारे पास लाल पीसी मिर्चों का पाउडर है, यहाँ हमारे पास जो है वो धनिया पाउडर है, हल्दी है हमारे पास। यहाँ हमने अपनी चिकन कलेजी को गार्निश करने के लिए 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया ले लिया है बारीक चॉप हुआ हुआ, 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए हम अपनी चिकन कलेजी मसाला जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, कलेजी बनाने के लिए हमने यहाँ एक बर्तन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, 1 कप के करीब ऑयल है हमारे पास। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपनी कलेजी डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। अब हम कलेजी का कलर चेंज होने तक जो है वो इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में इसका जो है कलर है वो चेंज हो जाएगा। व्यूवर्स, यहाँ हमारी कलेजी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसके साथ भून लेंगे इसको अच्छी तरह से। दो से तीन मिनट के लिए हम इसको जो है वो लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। व्यूवर्स, लहसुन अदरक को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, अब हम इसमें अपनी बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे सारी। अब इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। व्यूअर्स, प्याज को हमने यहाँ पर 5 मिनट के लिए कलेजी के साथ फ्राई कर लिया था, अब हम इसमें अपने चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून भरकर हम इसमें डाल देंगे लाल पीसी मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। भून लेंगे अब इसको अच्छी तरह से। हाफ कप के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा जले नहीं और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए इसमें। व्यूअर्स, हाफ कप के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसको जो है वो भून लेंगे मसाले को अच्छी तरह से। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इसकी। तीन से चार मिनट के लिए हम इसकी ऐसे ही भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं सारे अच्छी तरह से भुन जाएं इसमें।
व्यूअर्स देख सकते हैं आप लोग, कलेजी जो है वो हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है, 5 मिनट हो चुके हैं हम इसको भुनते हुए। टमाटर भी हमारे जो हमने डाले थे वो गल चुके हैं, ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने हरी मिर्चें चॉप करके रखी हुई थी, वो हरी मिर्चें डाल देंगे हम इसमें। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया जो हमने चॉप करके रखा हुआ था बारीक बारीक, को मिक्स कर देंगे इसमें। इसको हमने मिक्स कर दिया है, फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल ऑफ। इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। व्यूअर्स देख सकते हैं आप लोग, हमारा मज़ेदार सा कलेजी मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। व्यूअर्स अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।